पवित्र पुण्य के भड़कावे में आ गई हैं नैना सिंह। वेल, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि बिग बॉस के व्यूअर्स और बिग बॉस के फैंस कह रहे हैं कि पवित्र पुण्य के भड़कावे में नैना सिंह आकर ये सब कर रही हैं। वेल, क्यों कह रहे हैं ये बिग बॉस के व्यूअर्स और फैन ऐसा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वेल, बिग बॉस का प्रोमो जो है वो रिलीज किया गया, और बिग बॉस के प्रोमो को रिलीज करते ही उसमें हमने देखा प्रोमो में कि नैना सिंह जो है वो शार्दुल और नैना सिंह के बीच में बहस हो रही है खाना बनाने को लेकर। तो उस खाना बनाने को लेकर जब शार्दुल और नैना में बहस होती है, उसी में बीच में राहुल वैद्य भी कूद पड़ते हैं, जिसके बाद राहुल वैद्य शार्दुल पंडित के बीच नैना आ जाती है और नैना और इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। वेल, ये बहस को देखते ही निक्की तंबोली और पवित्र पुण्य आती है और वो नैना का साइड लेती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है तू खाना मत बनाना। तब नैना उनकी बातों में आ जाती है और ये बात को अग्री करते हुए नैना कहती है कि मैं नहीं बनाने वाली खाना, भाड़ में जाओ। जहां पर जिसके बाद राहुल वैद्य जो है वो नैना को समझाने की कोशिश करते हैं कि घर के अंदर अभी इस वक्त खाना बनाने वाली सिर्फ वो है जिन्हें खाना बनाना आता है, और किसी को भी खाना बनाना नहीं आता, और अगर वो इस तरह से हाथ ऊपर कर देंगी और खाना नहीं बनाएंगी तो कैसे चलेगा। तो जिसे लेकर नैना ये कहती है कि वो नहीं बनाने वाली खाना। वेल, इस प्रोमो को देखने के बाद अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस के व्यूअर्स और फैंस का कहना है कि पवित्र पुण्य के भड़कावे में आकर नैना सिंह ने ये फैसला लिया है। वेल, हम आपको बता दें कि पवित्र पुण्य इस सब के बीच में उनसे कहती है कि क्या खाना बनाना इजी है, खाना बना के देखे कोई, किचन में खड़े रहकर इतने देर तक खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। और जिसके बाद पवित्र पुण्य जो है वो नैना को कहती है कि तू मत बनाना खाना आज के बाद। तो जिसे के फौरन बाद ही नैना सिंह जो है वो अग्री कर जाती है और नैना सिंह जो है वो गुस्से में वहां से खड़े होकर और ये बोलते हुए निकल जाती है कि मैं नहीं बनाने वाली खाना, भाड़ में जाए सब लोग। तो जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि पवित्र पुण्य ने यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया है। जहां पर शार्दुल और राहुल वैद्य संग उनकी बहस खाना बनाने को हो ही रही थी, वहां पवित्र पुण्य जानबूझकर बीच में कूदी है और नैना को उन्होंने जानबूझकर भड़काया है कि वो खाना नहीं बनाए, जस्ट बिकॉज नैना सिंह जब से आई है और वो उन्होंने जब से किचन को संभाला है, जिस तरह से वो खाना बनाती है, उन्हें काफी ज्यादा प्रेजेस मिले हैं उनके खाने को लेकर। और जैसे कि हमने देखा था, जब पवित्र पुण्य भी घर के अंदर आई थी तो उन्होंने भी कोशिश की थी खाना बनाने की और किचन में खड़े रहकर, लेकिन राहुल वैद्य ने कहा था कि वो अच्छा खाना नहीं बनाती। तो कहीं ना कहीं पवित्र पुण्या के दिमाग में एक जेलेसी फैक्टर आ गया, जिसे लेकर पवित्र पुण्या ने नैना सिंह को भड़काया और उनके भड़कावे में नैना सिंह आकर और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो खाना नहीं बनाने वाली। तो इस बात को लेकर जो है वो बिग बॉस के व्यूअर्स और बिग बॉस के फैंस जो है वो कह रहे हैं कि पवित्र पुण्या ने नैना को भड़काया है और नैना जो है वो भड़कावे में आ गई है पवित्र पुण्या के, और इस वजह से ये जो चीज़ें हो रही है खाने को लेकर वो इसलिए हो रही है। आप कितना अग्री करते हैं इन व्यूअर्स और इन फैंस की बातों से, और क्या आपको भी लगता है कि नैना सिंह जो है वो पवित्रा के भड़कावे में आकर ये सब कर रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।